सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। विठलवाड़ी पुलिस थाने की हद में चिंसपड़ा गांव में एक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर भागने वाले आरोपी को विठलवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि काठेमानोली में रहने वाली प्रियंका माड़िक ने विठलवाड़ी पुलिस थाने में 14 तारीख को शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रियंका माड़िक दोपहर को जैसे ही चिंसपड़ा परिसर में पहुंची तो एक युवक ने उसके गले से सोने का मंगलसूत्र लेकर भाग गया। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर दिया, जिसमें एक युवक संदिग्ध अवस्था में भागते हुए देखा गया। वही पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया और प्रियंका से इसकी शिनाख्त करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। वही उस युवक का नाम राहुल मोहिते के रूप में की गई है। वही इस चोरी के पीछे की जो कहानी राहुल ने बताई तो सभी लोगों के होश उड़ गए। राहुल को ऑनलाइन जुआ खेलने का बुरी आदत थी और इसी के कारण राहुल जुए में बहुत पैसे हार गया था। चौदह तारीख को दोपहर 12 बजे एक महिला जिनका नाम प्रियंका महाड़िक है, वो चीचपाड़ा गांव में रोड पे से जा रही थी। तब एक आदमी ने उनके गले में जो मंगलसूत्र था उसको जबरन चोरी किया था। इस सिलसिले में विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में रॉबरी का ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया गया और एक्यूज्ड राहुल मोहिते इसको पुलिस ने अरेस्ट किया। इंट्रोगेशन के दरमियान उसने ये रॉबरी करने की बात स्वीकारी और उसने पुलिस को जो मंगलसूत्र उसने चुराया था वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सौंप दिया। सर, क्या उद्देश्य क्या था, क्यों चुराया था इसने ये सब? ये जो आरोपी था उसने उसे गेम खेलने का बहुत शौक था, उसमें उसने लगभग 1 लाख रुपये के करीब वो पैसे हार गया था, तो इस पैसे की भरपाई करने के उद्देश्य से इसने ये रॉबरी की थी।